अगर आपने अभी तक निर्जा की रसोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, निर्जा की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ करी पत्ती से बना हुआ तेल। तो करी पत्ती सब लोग नमकीन चीज बनाते हैं, खाने में भी यूज करते हैं। तो करी पत्ती, ये देखिए हमने कुछ करी पत्ती को तोड़ लिया है और इसको हमने इसको पानी से अच्छी तरह से धो लिया है और इसको पंखे के नीचे अच्छी तरह से इसका पानी जो है सुखा लिया है। तो करी पत्ती का देखिए यूज हम कभी नमकीन चीज़ बनाते हैं उसमें भी करते हैं और जो सब्जी में भी हम इसका यूज करते हैं। और करी पत्ती जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो करी पत्ती के जो बेनिफिट्स हैं वो हम बताएंगे। तो कि करी पत्ती जो है, जैसे कि शुगर होता है वो व्यक्ति भी इस करी पत्ती को खाते हैं, उनको भी इसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। और करी पत्ती खास तौर से बालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके बाल सन रेज के द्वारा डैमेज हो गए हैं और उसको में बहुत झड़ रहे हैं और एकदम उसकी जो है बालों की जो शाइनिंग है वो चली गई है, तो आप ये करी पत्ती का ऑयल लगाइए, आपका बाल जो है बहुत हेल्दी और चमकीले हो जाएंगे। तो आज चलिए हम देखते हैं करी पत्ती से हम ऑयल कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए हमने एक कप जो है करी पत्ती लिया हुआ है, ये एक कप है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, करी पत्ती को हम मिक्सी जार में पीस लेते हैं। तो देखिए हमने एक ये मिक्सी जार लिया हुआ है, इसमें करी पत्ती डाल देंगे। अब हम इसको पीसने के लिए पानी का यूज नहीं करेंगे, हम इसमें नारियल तेल का यूज करेंगे। ये देखिए पेरास कोकोनट नारियल तेल है, इसका हम यूज करेंगे। इसमें हम 4 चम्मच नारियल तेल डालेंगे। तो ये देखिए पानी का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे हम। ये देखिए हमने 4 चम्मच इसमें नारियल का तेल डाल लिया है, अब हम इसको पीस लेते हैं। ये देखिए करी पत्ती जो है हमने मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लिया है और एक फाइन पेस्ट बना लिया है और महीन एक पेस्ट बना तैयार कर लिया है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमने एक बर्तन लिया हुआ है, ये हमने कढ़ाई ली हुई है। ये कढ़ाई हमारी जो है काफ़ी मोटी है, आप भी इस तरह की कोई स्टील की भी, चाहे कोई पैन हो कुछ भी हो, पर मोटी तली का लीजिएगा, ठीक है। तो ये इस हमने ये कढ़ाई ली हुई है और इसमें हम ऑयल डालते हैं। हम 3 कटोरी ऑयल डालेंगे इसमें। हमने 3 कटोरी ऑयल ले लिया है, नारियल का तेल ले लिया है और अब हम क्या करेंगे, ये जो है पेस्ट है, इस पेस्ट को इसमें डाल देंगे। और कढ़ाई को जब हम ये इसमें ऑयल डालेंगे तो कढ़ाई को गर्म नहीं करेंगे, क्योंकि हमें छौंक नहीं लगाना है। छौंक लगाएंगे तो हमारे जितने भी इसमें जो विटामिन्स वगैरह होंगे सब इसमें नष्ट हो जाएंगे, इसलिए हम छौंक नहीं लगाएंगे। हम इसके बाद इसको गैस पे चढ़ाएंगे। ये देखिए हमने सारा पेस्ट इसमें डाल लिया है, अब हम इसको गैस के पास चलते हैं। करी पत्ती को देखिए
हमने जो है पकाने के लिए धीमी आंच करके कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है। और ये देखिए इसको धीमी आंच पे ही पकाएंगे। आप चाहें कि आप सोचें कि इसको तेज आंच करके हम पका लेते हैं तो जो है करी पत्ता जो है जल जाएगा और जो इतना अच्छा इसका कलर आ रहा है वो कलर भी नहीं आएगा, आपका जो तेल बनेगा वो काला काला बनेगा। तो इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो है आप आंच को धीमी रखिए, धीमी आंच पे ही इसको पकाइए। आप इसको ये देखने के लिए कि आपका तेल बन गया है कि तो आप कैसे पहचानेंगे, तो आप स्टार्टिंग में ही एक पत्ता डाल दीजिए और जब पत्ता जो है एकदम से अच्छी तरह से कुरमुरे टाइप का हो जाएगा और क्रंची आवाज आएगी तो हम समझ जाएंगे हमारा तेल तैयार हो गया है। तो ये देखिए आप बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करिएगा और तेल को पकाते समय आप गैस को स्लो रखिएगा, नहीं तो आपका तेल जो है इतना अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया हुआ है, इसमें हमने कोई कलर नहीं डाला है परंतु करी पत्ती का जो अपना कलर है वो इसमें आया हुआ है। इसको 5 से 10 मिनट और हम पकने देंगे। ये देखिए अच्छा उबाल आ रहा है। आप इस करी पत्ती के तेल को अगर रेगुलर यूज करेंगे तो आपके जो बालों में जैसे कि आपको बाल आपकी झड़ रहे हैं और आपके बालों की शाइनिंग चली गई है, ये सब आपकी चीजें दोबारा वापस आ जाएंगी। तो आप इस तेल को बनाकर ट्राई जरूर करिएगा। तेल देखिए हमारा बनकर तैयार हो गया है, अच्छी तरह से ये पक गया है। और इसमें देखिए हमने एक पत्ता डाला हुआ था, उस पत्ते से हम पहचान कर लेंगे कि हमारा तेल जो है पक गया है। तो इस पत्ते को हम निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा हाथ से टच करके देखेंगे। ये देखिए इसको मसल हाथ से इसको इस तरह से ये देखिए, तो इससे ये पता चलता है कि तेल हमारा पक गया है। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और तेल को ठंडा होने देंगे। ऑयल देखिए हमारा ठंडा हो गया है और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, ये देखिए। अब हम इस ऑयल को छन्नी और कपड़े की सहायता से छान लेते हैं। तो ये देखिए मैंने एक बर्तन लिया हुआ है और इसमें हमने छन्नी लगाया और इसमें एक कॉटन का कपड़ा लगा दीजिए और इसको छान लेते हैं हम। और जो इसके नीचे जो है जो थोड़ा सा वो बचेगा उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी में आप उसको पेस्ट बना लीजिए, मुल्तानी मिट्टी मिलाकर आप पेस्ट तैयार कर लीजिए। आप उसको फेस पे भी लगा सकते हैं, हाथ पैरों में लगा सकते हैं और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप इसका जो बचा हुआ वो ये होगा, ये जो नीचे बचेगा आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो इसको देखिए कितना अच्छा कलर आया है और हमारा कितना अच्छा तेल बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से हम पूरा छान लेते हैं।
आप जो तेल जब बनाइएगा तो नारियल के तेल में ही बनाइएगा। करी पत्ती और नारियल तेल का कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा होता है, ये बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसी तरह से हम ये पूरा छान लेते हैं। ये देखिए हमने पूरा जो है तेल को छान लिया है। इसको अच्छी तरह से दबा के पूरा आप निकाल लीजिए। ये देखिए ये जो इसकी खुरचन बची हुई है ये इसको आप मुल्तानी मिट्टी में मिला लीजिए और पेस्ट तैयार कर लीजिए। और इसको आप फेस पे भी लगा सकते हैं और पैर हाथ जहाँ भी आपको जैसे लगता है कि आपका जो आपको क्लीन करना है, डार्क डार्क हो गया है, जैसे धूप धूप से जो है हमारे जो कलर जो है थोड़ा सा डार्क हो जाता है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये तेल हमारा जो है अच्छे से बनकर तैयार हो गया है और हम इसको एक कांच के जार में रख लेते हैं। और ये देखिए हम कांच के जार में इसको रख लेते हैं। ये देखिए तेल हमारा कितना सुंदर बन कलर आया है तेल का। इसमें हमने कोई भी कलर नहीं डाला है, ये हमारा पूरा जो है करी पत्ती का कलर आया है। तो आप भी इस तेल को करी पत्ती का तेल बनाकर जरूर ट्राई करिए और हमें बताइए कि हमें आपको ये हमारी कैसा सुझाव लगा। और ये जो तेल है ये आपके बालों को भी काला करेगा, आपके बालों को लंबा करेगा और आपके बालों को झड़ने से रोकेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।